राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काइस में 3 दिवसीय अंडर 14 छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत की प्रधान शीला बठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य कल्पना शर्मा ने मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल प्रभारी संजीव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 27 स्कूलों के 380 छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, योगा और मार्च पास की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिताओं को करवाने के लिए स्थानीय स्कूल के सहयोग से इस प्रतियोगिता को संपन्न किया गया है। वहीं प्रतियोगिता में रहे विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर स्थानीय स्कूल की छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि वो सफलतापूर्ण जो है वो संपन्न हुए और जिस उद्देश्य ऑब्जेक्टिव को लेके आप यहाँ पे आए, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन उसमें जो आपने पार्टिसिपेट किया वो जो है इसके लिए मैं आप सबको मुबारक देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो नहीं जीत पाए, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। क्योंकि जिन भी बच्चों ने पढ़ाई में ऊंची पोजीशन हासिल की है या गेम्स में मेडल्स लिए हैं, तो कोई भी पहली बार में सफल नहीं हुए। हर सफलता के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसी? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तभी लाइफ में सफल होते हैं जब बार बार जो है प्रैक्टिस की जाए, बिना ही जो है हार माने हुए। तो बच्चों, आप छोटे बच्चे, मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे आपने बहुत बड़ी चीज सीखी है, इंडिपेंडेंट होके रहना। आप छोटे बच्चे कभी भी पेरेंट्स के बिना नहीं रहे होंगे, लेकिन 4-5 दिन आप अपने पेरेंट्स के बीच में के बिना जो है यहाँ पे कैसे रहना है और सोसाइटी में मिलके कैसे रहना है, अपने क्लास फेलोज के साथ कैसे रहना है, ये आप सीखे तो ये सबसे बड़ी जो है आपकी जीत है। एजुकेशन में चाहे तुम सफल हो, चाहे स्पोर्ट्स में आप फर्स्ट आओ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबसे बड़ी बात जब यहाँ से आप जाएंगे तो क्या सीख के जाएंगे कि घर जाकर के पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने दादा दादी के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने नाना नानी के साथ कैसे बिहेव करना है, उनकी केयर करनी है, अपने गांव वालों के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने क्लास फेलो के साथ कैसे बिहेव करना है। क्योंकि शिक्षा और खेल से ऊपर भी जो है ये चीज है, तो जो आदमी ये करता है वो लाइफ में सफल रहता है।